लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर हिंदू महासभा के नेता की हत्या की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर हिंदू महासभा के नेता की हत्या, पार्टी दफ्तर में घुसकर गोली मारी गई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। तो नाका थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर हिंदू महासभा के नेता की हत्या की गई है। तो बता दें कि ऑफिस के अंदर गोली मारी गई है। और इस बीच हमारे साथ संवाददाता संदीप खेर जुड़ गए हैं। संदीप, हिंदू महासभा के नेता की गोली मारकर हत्या। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अपने आप ये बहुत बड़ा मामला ये जो सामने आया है, नाका थाना क्षेत्र के कुर्शेदबार कॉलोनी स्थित उनके कार्यालय में गिफ्ट देने के बहाने घुसे और उसके बाद गोली मारकर भाग निकले। आपको बता दें कि कमलेश तिवारी जो है वो हिंदू महासभा के नेता थे और पैगंबर मोहब्बत के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जिससे वह जमानत पर रिहा चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं से आपको बता दें, एक बहुत ही चौंकाने वाली ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गोली की आवाज से वहां पे अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद घटना में गंभीर रूप से कमलेश तिवारी जो जिनको गोली लगी थी उनको आनंद फानंद में अस्पताल लेकर भागा गया, जहां पे कमलेश तिवारी की मौत हो गई है। और आपको बता दें, पुलिस पूरे मुस्तैदी से वहां पे तलाश हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं से लग रहा है कि वहां पे दंगा होने की संभावना है। और वहीं पे पुलिस हमलावरों की तलाश में लगी, जिससे अभी लखनऊ एसएसपी का बयान भी आया है कि ये व्यक्तिगत साजिश लग रही, जिस तरह से उनकी हत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं तो उनका कहना ये है कि हो सकता है ये व्यक्तिगत कोई मामला हो। पुलिस पूरे तरीके बिल्कुल से संदीप, अब आप हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरी घटना घटी है। आप देख सकते हैं परिजनों का रोड़ों का बुरा हाल है और पूरे इलाके में जो है हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको बता दें कि दफ्तर में ये लोग घुसे थे, जिसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना को अंजाम देकर जो आरोपी है वो फरार है। हालांकि बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर जो है पूरा मसला चल रहा था, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी के माध्यम से आपको हम ये दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदू महासभा के नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। तो जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त ये नेता अपने दफ्तर में मौजूद थे। और लगातार हमारे संवाददाता संदीप खेर भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, गोली मारकर कमलेश तिवारी की हत्या की गई है और जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, अपने पार्टी दफ्तर में थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो बदमाशों को पूरी तरह से जानकारी थी कि वो किस वक्त कहां पर है, तो कहीं ना कहीं वेकी करके पूरी अंजाम दिया है साजिश को। जी बिल्कुल, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस तरह से उनके जो घट वहां पे ऑफिस में वो मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं तो उसके पहले में रेकी की गई है, जानकारी की गई है कि कमलेश तिवारी अपने दफ्तर में मौजूद है कि नहीं। और उसके बाद आपको बता दें सबसे खास बात कि वो उनके कार्यालय में गिफ्ट देने के बहाने घुसे थे, जिसमें आराम से उनको एंट्री मिल गई, क्योंकि कार्यालय में तमाम लोगों का आना जाना लगा रहता है, पर वो लोग एक गिफ्ट देने के बहाने आए थे। और वहीं पे जैसा कि सामने आ रहा है कि एक व्यक्ति ने गला रेता है और दूसरे ने गोली मारी है, तो कहीं ना कहीं से जो हमलावर है वो हो सकता है वो या तो करीबी हो या तो फिर किसी ने रेकी करा के साजिशन उनकी हत्या कराई हो। अब ये पूरी बात तो खैर अभी सामने निकल के नहीं आई है, पर जिस तरह बिल्कुल ये तमाम पहलू तो अभी जांच का विषय है संदीप, लेकिन ये जिस तरह से घटना सामने आई है तो कहीं ना कहीं गंभीर सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी खड़े हो जाते हैं कि कोई खौफ पुलिस का नहीं रह गया है बदमाशों के अंदर। जी देखिए बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से नाका थाना क्षेत्र आपको सबसे पहले बता दें काफी संवेदनशील माना जाता है और यहाँ पे जगह जगह पर पुलिस तैनात रहती है। और आपको बता दें नाके चौराहे पे ही पुलिस थाना भी है और उसके आसपास में तमाम तरह की चौकी है, काफी बड़ा एरिया है, काफी पॉश इलाका भी माना जाता है। व्यापारियों की अगर हम बात करें या हम अच्छे रिहायशी लोगों की बात करें, तो जिस तरह से दिन दहाड़े ऐसी वारदात हुई है जहाँ पे एक इंसान की, हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं से देखिए पुलिस की जो जांच कह सकते हैं या पुलिस की कार्रवाई पर भी एक सवालिया निशान जरूर लगता है कि जिस तरह से तमाम तरह के वादे किए जाते हैं। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हमारे साथ सपा नेता अभिषेक सोम जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है, पार्टी दफ्तर में घुसकर हिंदू महासभा नेता की हत्या कर दी गई। देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है, पुलिस प्रशासन पूरा फेल हो चुका है ये तो। और इससे भी बड़ी दुर्घटना ये हुई कि हापुड़ जिले के अंदर ठाकुर प्रदीप सिंह तोमर की, जिसपे कोई भी एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, उसको उसकी निर्दयता से हत्या की गई पुलिस कस्टडी में। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब इस तरह का अराजकता का माहौल बन चुका है। और मैं तो ये कहूंगा
कि अब घर वालों को अपने बच्चों की अपनी सुरक्षा खुद स्वयं करनी होगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और जब वो पुलिस ही उत्तर प्रदेश की जब पुलिस ही हत्यारोपी बन जाए, हापुड़ जिले के अंदर सीओ पर एक हत्या का मुकदमा लादा गया, चलाया एफआईआर दर्ज की गई है, इंस्पेक्टर उसमें शामिल है, उसके अंदर और कांस्टेबल हैं, बहुत सारे 3-4 कांस्टेबल हैं, तो आप समझ लीजिए हत्यारोपी पुलिस और हत्यारे जितने भी हैं इनकी आपस में तालमेल हो चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का और गुंडागर्दी का माहौल हो चुका है, दहशतगर्दी है। और हमें अपने परिवारों की सुरक्षा, अपनी बहन बेटी बच्चियों की सुरक्षा खुद स्वयं करनी होगी, क्योंकि क्योंकि इस जंगल राज के अंदर, क्योंकि ये भाजपा के शासन में आज कलयुग इनके सर पे चढ़ चुका है। और हमें हमें इस बात का आने वाले चुनाव में हम बहुत जल्द बिल्कुल अभिषेक जी, लेकिन जैसे कि जंगल राज की बात आप कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पे जाहिर तौर पर इस तरह से सवाल खड़े हो जाते हैं, इस जंगल राज के पीछे वजह क्या मानते हैं आप अभिषेक जी? देखिए, जंगल राज की वजह ये है कि पुलिस प्रशासन, जब पुलिस ही निर्दोषों की हत्या करने लगे, जैसे हापुड़ में प्रदीप सिंह तोमर की जो निर्दयता से हत्या की गई, जो पुष्पेंद्र यादव की हत्या की गई, जो और विवेक तिवारी जो लखनऊ में बिचारे के ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, पुलिस ही निर्दयता से निर्दोष लोगों की हत्या करने लगे और अपराधी बेलगाम होंगे ही होंगे। ये अपराधियों का पुलिस प्रशासन का एक तालमेल है, उनमें एक गठबंधन हो चुका है और जनता इस बात को समझ चुकी है आने वाले चुनाव में। बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।